हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दो ब्लेड वाले फर्राटा पंखा को चैन वाइंडिंग में रिवाइंड करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, इसमें 24 स्लॉट होते हैं, तो मैंने सभी में पेपर को अच्छे से लगा लिया है। अब चलिए इसको रिवाइंड कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमें इसके लिए इस तरह का क्वाल बना लेना है। ये 6 क्वाल है और प्रत्येक क्वाल में 120 टर्न दिया है 30 नंबर एल्यूमिनियम के तार से, और इस क्वाल की गोलाई है 9 इंच। तो दोस्तों, इस तरह से हमें टोटल 4 सेट बना लेना है। अब चलिए पहला वाला सेट के पहले वाले क्वाल को पंखे में डालते हैं। आप पहला वाला क्वाल को किसी भी स्लॉट में डाल सकते हैं दोस्तों। तो मैं चलिए इसे किसी एक स्लॉट में डाल देता हूँ एक तरफ से। ये देखिए दोस्तों, मैंने क्वाल के एक तरफ को इस वाले स्लॉट में डाल दिया। अब चलिए मैं इसमें पेपर लगा देता हूँ। इस तरह से आपको पेपर को काट कर फोल्ड कर देना है और इसे स्लॉट के ऊपर में लगा देना है। अब चलिए दोस्तों, इस क्वाल को हम दूसरे वाले स्लॉट में डाल देते हैं। तो देखिए, हमें बीच में 6 स्लॉट खाली छोड़ने होंगे। इसका प्रत्येक क्वाल का पिच होगा 1 से 8, मतलब कि 6 स्लॉट बीच में खाली छोड़कर 1 से 8 में सभी क्वाल को डाल देना है। तो मैं इसे इस तरह से डाल देता हूँ 8वें वाले स्लॉट में, और फिर स्लॉट के अंदर में पेपर को लगा देता हूँ। दोस्तों, आपको सभी स्लॉट में अच्छे से पेपर को लगाना है, कहीं क्वाल लोहे से टच ना हो जाए। अब हमें क्वाल को इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। अब एक बार हम फिर से कंफर्म कर लेते हैं कि बीच में 6 स्लॉट खाली छूटा है या नहीं। देखिए दोस्तों, अब दूसरा क्वाल यहाँ पर डलेगा। तो क्वाल को इस तरह से उठा लेते हैं और फिर इसके आगे वाले स्लॉट में डाल देते हैं। दोस्तों, आपको कनेक्शन का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आउटर तार है वह ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। तो चलिए मैं इसे दूसरे वाले स्लॉट में डाल देता हूँ। जिस क्वाल को हमने पहले डाला है उसके आगे वाले स्लॉट में इस क्वाल को डाल देना है और फिर पेपर को लगा देना है। मैं यहाँ पर 7 नंबर का PVC पेपर यूज कर रहा हूँ दोस्तों। आप अगर चाहें तो इस पंखे में 5 नंबर का पेपर भी लगा सकते हैं। अब देखिए, क्वाल के ऊपर में इस तरह से इसको डाल देना है, ऊपर वाले स्लॉट में डालना है जहाँ पर हमने पहले वाले क्वाल को डाला है, उसके ऊपर वाले स्लॉट में इस क्वाल को डाल देना है और इसमें भी पेपर को लगा देना है। यहाँ पर सभी क्वाल का पिच 1 से 8 होगा। इस पंखे में 4 सेट क्वाल बनेगा, 1 सेट में 6 क्वाल होंगे। तो चलिए पहला वाला सेट के तीसरा क्वाल को डाल देते हैं। तो इसको भी इस तरह से डालना है दोस्तों कि इसका आउटर तार ऊपर की तरफ निकले। तो चलिए मैं इस क्वाल को नीचे की तरफ से डाल देता हूँ। जहाँ पर क्वाल डाला है उसके आगे वाले स्लॉट में इस क्वाल को हमें डाल देना है। सभी क्वाल को हमें इसी तरह से डालना है। अब चलिए मैं इसमें भी पेपर को लगा देता हूँ। अब इस क्वाल को देखिए, ऊपर वाले स्लॉट में डालना है। एक तरफ से अंदर वाले स्लॉट में डालना है तो दूसरे तरफ से ऊपर वाले स्लॉट में डाल देना है। आपका बीच में 6 स्लॉट छूट जाएगा, चाहे वह स्लॉट भरा हुआ हो या फिर खाली स्लॉट हो। तो चलिए दोस्तों, अब पहला वाला सेट के चौथा वाला क्वाल को डाल देते हैं। इस तरह से क्वाल को अच्छे से सेट कर लेना है और इसे अंदर की तरफ आगे वाले स्लॉट में डाल देना है। दोस्तों, जो कनेक्शन का तार है वह ऊपर वाले स्लॉट में बाहर की तरफ निकलेगा और फिर उसके आगे वाले क्वाल में वह तार अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से हमें सभी क्वाल को डालना है। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब चलिए दोस्तों, इसमें हम 5वां वाला क्वाल को भी डाल देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस तरीका से इस पंखा को रिवाइंड करेंगे तो आपका तार कम लगेगा। भले ही चैन वाइंडिंग में समय ज़्यादा लगता हो, लेकिन इसमें तार कम लगता है। तो चलिए मैं अब इस वाले स्लॉट में भी पेपर को लगा देता हूँ। पेपर को आपको सभी स्लॉट में लगाना होगा दोस्तों, और बहुत ही अच्छे से लगाना होगा, क्वाल कहीं लोहे पर छू ना जाए। अगर आप इस पंखे को कॉपर के तार से रिवाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कॉपर में 30 नंबर के जगह पर 32 नंबर का तार यूज कीजिए। बाकी इसका जो डाटा है वह सेम रहेगा। अब चलिए दोस्तों, मैं पहला सेट के लास्ट वाले क्वाल को डाल देता हूँ। इसके एक सेट में टोटल 6 क्वाल रहेंगे। यह लास्ट वाला क्वाल है, तो इसको मैं अंदर की तरफ से आगे वाले स्लॉट में डाल देता हूँ। इसमें सभी क्वाल में टर्न और गेज समान है, तो आप इसके किसी भी क्वाल को स्टार्टिंग और किसी भी क्वाल को रनिंग बना सकते हैं, जब आप इस पंखे का लीड का कनेक्शन बाहर निकालेंगे उस टाइम पर। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहला वाला सेट का लास्ट क्वाल भी अच्छे से डाल दिया।
अब इसका दो तार कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा, एक लास्ट वाले क्वाल से और एक पहला वाला क्वाल से। ये देखिए मैंने सभी क्वाल में जो धागा बांधा था उसे मैंने निकाल दिया क्योंकि धागा का और कोई काम नहीं है। अब चलिए दोस्तों दूसरे वाले सेट का पहला क्वाल डालते हैं। तो देखिए पहला क्वाल यहाँ पर आएगा और इस वाले स्लॉट में आएगा। तो चलिए पहला वाला क्वाल को डाल देते हैं, इसे अंदर वाले खाली स्लॉट में हमको डाल देना है एक तरफ से। देखिए दोस्तों मैंने इसे खाली वाले स्लॉट में डाल दिया। अब मैं इस क्वाल के ऊपर में पेपर लगा देता हूँ। अब देखिए इस क्वाल को हमें कहाँ पर डालना है, तो इस क्वाल को हमें सबसे ऊपर वाले खाली स्लॉट में डाल देना है। तो इसका भी पिच हो जाएगा दोस्तों 1:8। अब देखिए दोस्तों दूसरा क्वाल को हमें यहाँ पर डालना है, आगे वाले स्लॉट में डालना है और फिर सबसे ऊपर वाले खाली स्लॉट में डाल देना है। तो चलिए मैं दूसरे वाले सेट के दूसरे वाले क्वाल को ले लेता हूँ और इसे स्लॉट के अंदर में डाल देता हूँ। सभी क्वाल को नीचे की तरफ से डबल करते हुए चलना है हमको और फिर ऊपर में यह क्वाल सिंगल सिंगल आएगा। तो देखिए दोस्तों मैं इस वाले स्लॉट में डाल देता हूँ इस क्वाल को और फिर इसमें भी मैं पेपर को लगा देता हूँ। दोस्तों नीचे में जो पेपर लगा हुआ है उसे हमें निकालना नहीं है, उसके ऊपर में ही क्वाल को डाल देना है और फिर से एक पेपर उसके ऊपर में लगा देना है। अब इस क्वाल को हमें खाली वाले स्लॉट में डाल देना है। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको सभी क्वाल को इसमें डाल देना है और सभी में अच्छे से पेपर को लगा देना है। तो चलिए मैं इसमें भी पेपर को लगा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों तीसरा वाला क्वाल को हमें कहाँ पर डालना है, तो इसके आगे वाले स्लॉट में डालना है हमको, जो कि सिंगल है। यहाँ पर हमको क्वाल को डाल देना है और इसमें भी पेपर को लगा देना है। पहले हमें क्वाल को अच्छे से गोलाई में सेट कर लेना है, फिर उसके बाद इसे स्लॉट के अंदर में इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं तीसरा वाला क्वाल को भी इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ और इसके ऊपर में भी पेपर को लगा देता हूँ। पेपर को आपको सभी स्लॉट में लगाना है दोस्तों। नीचे की तरफ से डबल पेपर हो जाएगा, पहला पेपर नीचे वाले क्वाल में लगा है और दूसरा पेपर ऊपर वाले क्वाल में लगेगा। अब इसे ऊपर वाले स्लॉट में इस तरह से डाल देना है और इसमें भी पेपर को लगा देना है। देखिए दोस्तों दूसरे वाले सेट का तीन क्वाल मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब हमें इसके आगे वाले स्लॉट में चौथा क्वाल को डालना होगा। तो मैं चौथा क्वाल को ले लेता हूँ और इसे अच्छे से गोलाई में पहले सेट कर लेता हूँ। अब देखिए इस क्वाल को हमें आगे वाले स्लॉट में डाल देना है जो कि सिंगल है। हमें नीचे की तरफ से सभी स्लॉट में डबल करना है क्वाल को और पेपर को लगा देना है। अब इस क्वाल में भी इस तरह से मैं पेपर को अच्छे से लगा देता हूँ और इसके ऊपर के खाली स्लॉट में इस क्वाल के दूसरे तरफ को डाल देता हूँ। ये देखिए दोस्तों चार क्वाल को मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब हमें दूसरे वाले सेट का पांचवा क्वाल को ले लेना है और इसके आगे वाले स्लॉट में फिर से डाल देना है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से गोलाई में सेट कर लेना है और फिर उसके बाद इसे स्लॉट के अंदर में डाल देना है। ये पांचवा क्वाल है दोस्तों दूसरे वाले सेट का। टोटल 6 क्वाल रहते हैं एक सेट में। ये देखिए मैंने इसमें क्वाल को डाल दिया। अब इसमें भी मैं पेपर को लगा देता हूँ। अब इसे ऊपर के खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। इस पंखे में 2-3 तरह का चैन वाइंडिंग होता है दोस्तों। अगर आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से प्यार देंगे तो मैं दूसरा तरीका का भी चैन वाइंडिंग का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अब चलिए लास्ट वाला क्वाल को इंस्टॉल कर लेते हैं दूसरे वाले सेट का। सबसे पहले हमें क्वाल को गोलाई में इस तरह से सेट कर लेना है, नहीं तो आप इस क्वाल को स्लॉट के अंदर में नहीं डाल पाओगे। इस तरह से गोलाई में क्वाल को बना लेना है और फिर इसे स्लॉट के अंदर में इंस्टॉल कर देना है। देखिए दोस्तों यह बेहद ही आसानी से स्लॉट के अंदर में इंस्टॉल हो जाता है। अब मैं इस क्वाल को इसके आगे वाले स्लॉट में डाल देता हूँ जो कि खाली स्लॉट है और इसमें भी मैं पेपर को लगा देता हूँ। तो दोस्तों इतने में हमारा दो सेट जलकर तैयार हो जाता है। ये दो तार बाहर निकलेंगे इस क्वाल का। अब देखिए मैंने तीसरा वाला क्वाल का सेट भी बना लिया है, इसमें भी 6 क्वाल ही रहेंगे। तो पहला वाला क्वाल को हमें ले लेना है और इसे जो आगे वाला खाली स्लॉट है वहाँ से डालना शुरू करना है। ये देखिए ये वाला स्लॉट सिंगल है तो इसे हमें डबल कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर भी क्वाल को डाल देता हूँ और इसमें पेपर को लगा देता हूँ। दोस्तों सभी क्वाल नीचे की तरफ से डबल होता हुआ चलेगा, बीच में आपको एक भी स्लॉट खाली नहीं छोड़ना है। अब मैं इस क्वाल को ऊपर वाले खाली स्लॉट में डाल देता हूँ। ये तीसरा वाला सेट का पहला क्वाल है तो इसे हम इस तरह से
खाली वाले स्लॉट में डाल देंगे और इसमें भी पेपर को लगा देंगे। अब चलिए दोस्तों दूसरा वाला क्वाल को ले लेते हैं तीसरा वाला सेट का। ये देखिए दूसरा वाला क्वाल को भी अच्छे से पहले गोलाई में सेट कर लेना है और इसके आगे वाले स्लॉट में डबल कर देना है। तो मैं इसे पहले गोलाई में सेट कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों यह दूसरा वाला क्वाल है, तो इसे मैंने आगे वाले स्लॉट में डाल दिया। अब इसमें भी मैं पेपर को लगा देता हूँ। अब चलिए इसे आगे वाले खाली स्लॉट में डाल देते हैं। सभी क्वाल का आउटर तार ऊपर के क्वाल में निकलना चाहिए दोस्तों, तभी आपका पंखा चलेगा, नहीं तो आपका कनेक्शन गलत हो जाएगा, फिर आपका पंखा नहीं चल पाएगा। चैन वाइंडिंग में कनेक्शन को बहुत ही ध्यान में रखना होता है दोस्तों, नहीं तो आप इसका कनेक्शन भूल जाओगे, क्योंकि इसमें टोटल 24 क्वाल रहता है। इसलिए बहुत से मिस्त्री लोग चैन वाइंडिंग करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें 24 क्वाल रहता है तो समय ज़्यादा लगता है नॉर्मल वाइंडिंग के मुकाबले। अगर आप इस पंखे का नॉर्मल वाइंडिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत पहले इस पंखे का नॉर्मल वाइंडिंग का वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें चौथा वाला क्वाल को इंस्टॉल करना है, तो इस क्वाल को भी अच्छे से गोलाई में सेट कर लेना है और इसे नीचे की तरफ से आगे वाले स्लॉट में डबल कर देना है। अगर आप चैन वाइंडिंग को अच्छे से समझ पाओगे तो आपको नॉर्मल वाइंडिंग करने का मन नहीं होगा, क्योंकि चैन वाइंडिंग बहुत ही अच्छा दिखता है और यह बहुत ही सरल भी है वाइंडिंग करने में, बस इसे समझने में थोड़ा समय लगता है। अब इस क्वाल को ऊपर के खाली वाले स्लॉट में डाल देना है, तो मैं यहाँ पर इस क्वाल को डाल देता हूँ और इसमें पेपर को लगा देता हूँ। यह चौथा वाला क्वाल है दोस्तों। अब इसके बाद हमें पाँचवा वाला क्वाल डालना होगा तीसरा वाला सेट का। तो ये पाँचवा वाला क्वाल है, इसको भी मैं सबसे पहले गोलाई में अच्छे से सेट कर लेता हूँ और फिर इसे नीचे की तरफ आगे वाले स्लॉट में डबल कर देता हूँ। आपको एक भी स्लॉट खाली नहीं छोड़ना है, सभी को डबल करते हुए आगे की तरफ चलना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी मैंने क्वाल को डाल दिया, अब इसमें भी मैं पेपर को लगा देता हूँ। अब चलिए इस क्वाल को ऊपर वाले जो एक स्लॉट खाली बचा है उसमें डाल देता हूँ। यह तीसरा वाला सेट का पाँचवा क्वाल है, तो इसे हमें इस खाली वाले स्लॉट में डाल देना है और इसमें पेपर को लगा देना है। अब इस क्वाल का छठवां क्वाल को कहाँ पर डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये छठवां वाला क्वाल है तीसरा वाला सेट का, तो इसे कहाँ पर डालना है देखिए, सबसे पहले मैं इसे गोलाई में सेट कर लेता हूँ। अब देखिए आगे की तरफ सात क्वाल सिंगल है, तो इन सातों क्वाल को हमें ऊपर उठा देना है। तो मैंने सातों क्वाल को एक तरफ से निकाल दिया, अब हमारे पास सात स्लॉट खाली बच जाता है। तो अब हमें इसमें तीसरा वाला सेट के छठवां क्वाल को लेना है और इसे डाल देना है। अब हमें डालने में कोई भी परेशानी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अब सात स्लॉट खाली बचा हुआ है ऊपर की तरफ। तो जिस तरह से हम क्वाल को अभी तक डालते आ रहे थे उसी तरह से हमें आगे की तरफ भी डालते हुए चलना है। अब इस क्वाल को मैं ऊपर वाले खाली स्लॉट में डाल देता हूँ और इसमें पेपर को लगा देता हूँ। इतने में हमारा तीन सेट क्वाल डालकर तैयार हो जाता है दोस्तों। अब हमें लास्ट क्वाल को डालना है, तो देखिए दोस्तों आगे की तरफ छः स्लॉट खाली है और पीछे की तरफ छः स्लॉट सिंगल है, तो इसमें हमें चौथा वाला क्वाल को डाल देना है। फिर उसके बाद जिस क्वाल को हमने उठाया है उसको वापस से उसके जगह पर डाल देना है। तो चलिए मैं सभी क्वाल को इसमें डाल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों मैंने सभी क्वाल को इंस्टॉल कर लिया। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग दिखता है चैन वाइंडिंग, इस तरह से चैन वाइंडिंग रिवाइंड होने के बाद दिखता है दोस्तों। अब चलिए इसका कनेक्शन बता देता हूँ मैं। देखिए टोटल आठ तार बाहर निकलेगा, चार तार अंदर की तरफ होगा और चार तार बाहर की तरफ होगा। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इस तरह का कॉटन का पाइप लगा देना है सभी तार में और सभी तार को छील लेना है। सभी तार में दो इंच लंबा जितना कॉटन का जीरो नंबर का पाइप को लगा देना है और फिर उसके आगे वाले तार को इस तरह से छील लेना है। तार में पॉलिश लगा होता है दोस्तों, तो उस पॉलिश को हमें रिमूव करना होता है कनेक्शन करने के लिए। तो देखिए मैं ब्लेड की सहायता से तार के पॉलिश को निकाल रहा हूँ, आप इसे चाकू या ब्लेड की सहायता से इस तरह से रगड़कर पॉलिश को निकाल सकते हैं। अच्छे से छीलना है दोस्तों, अच्छे से इस पॉलिश को साफ करना है, नहीं तो आपका पंखा नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों
मैंने सभी तार को अच्छे से छील लिया। अब मैं इसका कनेक्शन आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अंदर के चारों तार को हमें अंदर कर लेना है और बाहर के चारों तार को दो दो तार इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। आमने सामने के दो दो तार को ज्वाइंट करना है दोस्तों। तो चलिए मैं दोनों ज्वाइंट को कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने बाहर के तार को ज्वाइंट कर दिया, ये दो ज्वाइंट हो गया। अब देखिए अंदर में चार तार बचा हुआ है, तो इन चारों तार को हमें बाहर निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें किसी भी दो तार को एक बना देना है। आप किसी भी दो तार को एक बना सकते हैं, लेकिन पास पास के तार को ही आपको इस तरह से एक बना देना है। आप अगर चाहें तो चारों तार को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तीन तार बाहर निकालूंगा, तो मैं दो तार को एक बना देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने अच्छे से दोनों तार को इस तरह से ज्वाइंट कर दिया। अब तीन तार बाहर निकलेंगे। तो हमें दो रंग का तार लेना है, एक नीला और दो सफ़ेद तार लिया हूँ मैं। नीला तार को यहाँ ज्वाइंट करूँगा और दोनों सफ़ेद तार को सिंगल सिंगल तार में ज्वाइंट करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस वाले तार में नीला तार को ज्वाइंट कर देता हूँ। ये इस पंखे का कॉमन तार है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग रंग का तार लिया है पहचान के लिए। देखिए इस तरह से आपको भी अच्छे से ज्वाइंट कर देना है इस तार को, और बचे हुए तार को आपको कैंची की सहायता से काट लेना है। अब हमें दो नंबर का कॉटन का पाइप लेना है और इसे तार के ज्वाइंट में इस तरह से कवर कर देना है अच्छे से। मैंने लगभग 4 इंच लंबा जितना दो नंबर का कॉटन का पाइप लिया है ज्वाइंट को कवर करने के लिए। देखिए इस तरह से आपको भी अच्छे से ज्वाइंट में कॉटन के पाइप को लगा देना है। अब चलिए दोनों सिंगल तार में सफ़ेद वाले तार को ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से अच्छे से आपको तार को ज्वाइंट करके बाहर निकालना है। अगर आप चाहें तो इस ज्वाइंट में सोल्ड भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इस वाले ज्वाइंट को भी अच्छे से कर दिया। अब मैं इसमें भी कॉटन के पाइप को लगा देता हूँ। आप इस पंखे में किसी भी तार को स्टार्टिंग और किसी भी तार को रनिंग मान सकते हैं, क्योंकि दोनों क्वाल के सेट में सेम डाटा है, तो आप किसी को भी स्टार्टिंग और किसी को भी रनिंग मान सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने सभी ज्वाइंट को अच्छे से कर लिया। अब मैं इसमें भी कॉटन का पाइप लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको 6-6 क्वाल के बीच में पेपर लगाना है, यह बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। अब चलिए इस मोटर को मैं धागे की सहायता से अच्छे से बांध देता हूँ। ये देखिए मैंने इसे कॉटन के धागे से अच्छे से बांध दिया। आपको भी इस तरह से धागे से बांध देना है। अब इस मोटर के पीछे के तरफ भी हमको पेपर लगाना है। तो जो 6-6 क्वाल का सेट है उसके बीच में हमें इस तरह से दूरी बना लेना है और इसके बीच में हमें पेपर को लगा देना है। यह पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। यह पेपर चारों क्वाल को अलग करके रखेगा, तो इसे लगाना बहुत ही ज़रूरी है आपको। देखिए दोस्तों, इस तरह से 6-6 क्वाल के बीच में हमें इस पेपर को लगा देना है। यहाँ पर मैं 5 नंबर का पेपर लगा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही पतला होता है, तो इसे हमें बांधने में आसानी होगा। अब इस क्वाल को वापस से अच्छे से गोलाई में सेट कर लेना है, फिर उसके बाद इसे भी धागे से इस तरह से बांध देना है। तो इतने में हमारा यह मोटर रिवाइंड होकर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। आप अगर चाहें तो इसमें वार्निश भी लगा सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के तार में वार्निश लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता है।